जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जैन व्लॉग्स। मेरा नाम है जैन श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है जैन व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से आप अपने रेजर पे की जो अकाउंट होती है उसे क्रिएट करोगे। रेजर पे क्या है? तो रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशन या किसी भी अदर वे में आप इसके माध्यम से आप अपने बैंक में पैसे लेते हो। यानी कि यदि आप किसी ऑनलाइन बिजनेस को करते हो और आपको अपने क्लाइंट्स, जो आपके क्लाइंट जो दूर दूर पे बैठे हुए हैं, हो सकता है वो इंडिया में हो या हो सकता है वो बाहर किसी देश में रहते हो, तो उनसे अगर आप पेमेंट लेने में सक्षम नहीं हो, आप घर घर जाके तो पेमेंट लोगे नहीं, तो इसके लिए आपको एक गेटवे की जरूरत होती है जो कि आपके बिहाफ से, आपके बिहाफ में वो पेमेंट लेता है क्लाइंट से और आपके बैंक में सेटलमेंट कर देता है। तो रेजर पे काफी तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में और बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग आपका पेमेंट गेटवे है एट प्रेजेंट, आज के डेट में अगर हम बात करें तो। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से आप रजिस्टर करोगे। कई सारे लोगों के मेरे इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं कि सर आपने पेमेंट गेटवेज तो बता दिया कि कौन से टॉप 5 पेमेंट गेटवेज हैं, लेकिन इन्हें रजिस्टर कैसे करें, हमें काफी दिक्कत होती है, कहीं वेबसाइट मांगता है तो कहीं कुछ मांगता है, तो करने में काफी दिक्कत होता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप सभी लोग नए हो चैनल पे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जब भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए वीडियोस के ऊपर, आपकी लाइक्स और डिसलाइक जो है काफी मैटर करते हैं हम सबके लिए, ठीक है। सो पेमेंट गेटवेज के रूप में अगर हम बात करें रेजर पे की, तो 2% कमीशन ये गेटवे जो है वो लेती है और बहुत तेजी से ये बढ़ रही है, ट्रस्टेड है, हम लोग खुद इसे यूज करते हैं अपने बिजनेस में, हमें जो भी पेमेंट्स लेनी होती है हम इसी के थ्रू लेते हैं, तो काफी फास्टेस्ट ग्रोइंग आपका नेटवर्क ये है पेमेंट गेटवे के रूप में। इसके बाद पेपाल था जो कि इंटरनेशनल पेमेंट लेने के लिए एक्सेप्ट करता था, लेकिन उसकी फीस बहुत हाई थी और एट प्रेजेंट आप पेपाल से इंडिया में पेमेंट भी नहीं ले सकते हो, तो उस पर बैन लग चुका है। आप दूसरे देशों से ले सकते हो पैसे, लेकिन इंडिया में इंडिया के पेपाल अकाउंट से आप पैसे नहीं ले सकते हो, तो इसलिए दूसरा गेटवे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वेबसाइट देखने में कुछ ऐसी लगती है इसकी रेजर पे की, और इसकी स्टेप्स मैं आपको अपने डिस्प्ले पे लेकर चलता हूँ यानी कि मैकबुक पे, और आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसकी रजिस्ट्रेशन को करोगे। शुरू करो उससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो इसकी फीस है दैट इज ओनली 2%, कोई सेटअप फीस इसमें आपको नहीं देना होता है और कोई एनुअल मेंटेनेंस फीस भी आपका इसमें नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इसका क्विक सेटअप, देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपका, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर, अब हम लोग गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे रेजर पे और इसे सर्च कर लेंगे। रेजर पे एक इंडिया का सबसे बड़ा, अभी तक मैं सबसे ज़्यादा यूज करने वाला पेमेंट गेटवे बन चुका है अभी तक और ट्रस्टेड बाय सो मेनी कंपनीज। तो आप अगर एक गेटवे के रूप में किसी कंपनी को सर्च कर रहे हो कि आप अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर किसी पेमेंट गेटवे को लगा सको, सो आई थिंक आपके लिए रेजर पे एक अच्छा ऑप्शन है और आप इसके साथ अच्छी शुरुआत कर सकते हो और चार्जेस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंपनी, या आप ये कह सकते हो कि लगभग सारी कंपनियों का चार्जेस सेम ही है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, 0.5-0.1 रुपए का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी शेयर सम प्राइसिंग डिटेल्स विथ यू। तो आप इससे क्या क्या कर सकते हो वो देख लो, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन में सेल कर सकते हो अपने कंटेंट को, पेमेंट लिंक जनरेट करके आप डायरेक्ट इनवॉइस के रूप में पेमेंट ले सकते हो, पेमेंट पेजेस बना सकते हो, पेमेंट बटन आप लगा सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर, किसी पेमेंट को आप अगर राउट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और स्मार्ट कलेक्शन के रूप में आप NEFT, RTGS, IMPS या फिर UPI पेमेंट्स के रूप में आप पेमेंट ले सकते हो थ्रू रेजर पे। और रेजर पे अब रेजर पे एक्स बन चुका है, सो इट्स वेरी सून कमिंग विथ अ बैंकिंग कंपनी ऑल्सो, सो एज लाइक बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा वेरी सून, और कुछ लोगों को करने भी लगा है, जैसे हम मुझे अपने बैंकिंग अकाउंट के रूप में मैंने करंट अकाउंट खुलवाया है और मुझे इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड भी मिले हुए हैं। सो कई सारी चीज़ें हैं और एज पर योर कितनी ट्रांजेक्शन आप करते हो उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग देते रहते हैं। तो प्राइसिंग के बारे में हम देख लेते हैं, प्राइसिंग सिंपली 2% का है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई डिस्कशन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो एनुअल मेंटेनेंस 0 रुपीज़ है और वन टाइम पेमेंट सेटअप कुछ नहीं है इसमें, 0 रुपीज़ है, और अगर आप इंटरप्राइज प्लान चाहते हो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर कस्टम प्राइसिंग, सो ये आपको कोटेशन दे देते हैं। तो चलिए हम लोग अब रजिस्ट्रेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं और साइनअप पर क्लिक कर लेते हैं। साइनअप के लिए मैं एक डोमेन ईमेल का, डेमो ईमेल का यूज़ करूँगा जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ और OCPC के लिए बनाया है, तो मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, आप अपना ईमेल इसमें पुट कर लीजिएगा और साइनअप पे हम प्रोसीड कर लेते हैं। पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड भी मैं बना लेता हूँ अपने लिए,
और क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक कर लेंगे सिंपली। तो इससे क्या होगा कि ईमेल और पासवर्ड के साथ आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर, और जो नेक्स्ट प्रोसेस आप आएगा उसमें डॉक्यूमेंटेशन या फिर आपका एक रजिस्टर्ड बिजनेस जो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो अनरजिस्टर्ड बिजनेस है आपका, ठीक है। अब इसके बाद पहले देख लो, समझ लो क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर आपका बिजनेस जो है आप अनरजिस्टर्ड है, मान लो आप कोई एजुकेटर हो, कोचिंग खोलना चाहते हो, कोचिंग ऐप में इसका इनबिल्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप रजिस्टर्ड अभी नहीं होगे। कोचिंग बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा आपका, तो आप यहाँ पे सिंपली अनरजिस्टर्ड यूज़ कर सकते हो। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी से ताल्लुकात रखते हो, यानी किसी अच्छी कंपनी से बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप पब्लिक लिमिटेड LLP ट्रस्ट सोसाइटी NGO कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसकी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सर्टिफिकेट की, तो आप इसका यूज़ करके भी आप पेमेंट ले सकते हो अगर आप रजिस्टर्ड बिजनेस हो तो। सिंपली अभी मैं अनरजिस्टर्ड बिजनेस के रूप में आपको आगे बढ़ाता हूँ और दिखाता हूँ आगे क्या करना है। तो योर नेम डालना है, तो योर नेम में मैं अपना नाम डाल लूँगा, और मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मैं मोबाइल नंबर में भी यूज़ करूँगा किसी अनयूज मोबाइल नंबर को, जिसे कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया हो रेजर पे के ऊपर। सो मैं उसे डाल देता हूँ यहाँ पे। अब हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपका नेम, फुल नेम आप अपना डालेंगे, एक पहला नेम नहीं, वेरिफिकेशन कोड यानी कि OTP गया होगा मेरे मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर पे, जो कि मैंने अभी दिया है फॉर रजिस्ट्रेशन। सो वी हैव टू वेट, थोड़ा समय ले सकता है OTP आने में। ओके, OTP आ गई मेरे ईमेल के ऊपर। अब मैं OTP यहाँ पे डाल दूंगा, जो भी OTP आई है मेरे पे। और जैसे ही आप OTP इसमें डाल देंगे, ये वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट कर लेता है वेरिफिकेशन कोड को पाते ही, और ईमेल जो है वो वेरीफाइड हो गया है एंड आई एम एबल टू लॉग इन इनटू डैशबोर्ड। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक्टिवेट योर अकाउंट पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे पॉपअप एक ओपन हो जाता है, तो हमें एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे पूछेगा रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है जैसा हमने पहले ही डाल दिया था, तो अब यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी पूछेगा, तो मैं बिजनेस कैटेगरी में एट प्रेजेंट ई कॉमर्स यूज़ कर लेता हूँ। सब कैटेगरीज में अगर ये पूछता है तो मैं एसेसरीज, कॉस्मेटिक, शू स्टोर, आई थिंक कपड़े के लिए क्या लिखा हुआ है, बेबी केयर, ग्रॉसरी, फ्लावर, फैशन एंड लाइफ स्टाइल पर हम क्लिक कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, इंडिशो इज अ ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, ठीक है। अब हम इसे प्रोसेस करके 200 वर्ड में पूछ रहा है, वी यूज टू सेल, कुछ भी यहाँ पे डाल दो, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ और प्रोडक्ट। तो कुछ भी लिख सकते हैं, काफ़ी लंबा 200 वर्ड लिखना है, 200 वर्ड में मैं भी क्या लिखूँ, मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया हूँ, लेकिन कुछ भी लिख दे रहा हूँ जो मन में आ रहा है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप याद रखना अगर यहाँ पे कुछ भी फालतू लिखोगे जैसे मैं भी लिख रहा हूँ तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सो वैसे आप गलती मत करना, यहाँ पे आप अपने जो भी बिजनेस डिस्क्रिप्शन, अगर आप एजुकेटर हो आप तो अपने एजुकेशन के बारे में लिख लो कि किस टाइप की कोचिंग आप चलाते हो, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आपका क्या होने वाला है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपका है तो ई कॉमर्स वेबसाइट का क्या बिजनेस आपका होने वाला है, कुछ भी यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे चीज़ों को आपको डालना होता है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने 200 वर्ड इसमें मांगा था, 200 वर्ड से मैंने ज़्यादा 213 वर्ड के अप्रॉक्स में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन होगा आप यहाँ पे अपना लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि कितने से आपका, कितने से कितने तक में एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपका होने वाला है।
एक से 150, 151 से 300 जो भी होना है वो आप यहाँ पे लिख लेना एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू होता है कि कितने से कितने का माल आपके आने वाला है उसके बीच के एवरेज वैल्यू आप देखते हो। मतलब मान लो कि 100 ऑर्डर आते हैं, कोई 500 का है, कोई 200 का है, कोई 100 रुपये का है, तो एक एवरेज उसमें से आप निकालते हो कि कितना वैल्यू हो जाता है। तो बीच का आप कहीं का भी चूज कर लेना, इट डजेंट मैटर, क्योंकि अभी आप न्यूली साइन अप हो यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ डू यू विश टू एक्सेप्ट पेमेंट, तो ऑन माई वेबसाइट एंड ऐप आप इससे क्लिक कर लेना। विदाउट वेबसाइट और ऐप करोगे तो एपीआई वाला आपको एसेस नहीं मिलेगा, और वेबसाइट और ऐप चूज कर लोगे तो दोनों एसेस आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है, तो मैं वेबसाइट के यूआरएल में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं। आप भी अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई है तो। एक्सेप्ट पेमेंट ऑन ऐप, ऐप अगर कोई है तो उसका लिंक डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। सेव नेक्स्ट पे करके आगे आपका बिजनेस से डिटेल्स पूछेगा, आपको अपना पैन डिटेल डालना होगा। तो मैं पैन डिटेल डाल देता हूँ, उसके बाद आगे का आपको दिखाता हूँ। और आगे में क्या देखना है, तो आगे में आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। पैन डिटेल्स आप डाल लो, उसके बाद आपके पैन पे क्या आपका नाम डाला हुआ है वो यहाँ लिख देना। बिजनेस लेवल आप यहाँ पे लिख लेना, बिजनेस लेवल क्या है आपका, तो आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। जो भी आपके ऐप का नाम होगा, वेबसाइट का नाम होगा, आप यहाँ पर बिजनेस लेवल में आप उसे यूज़ कर लेना। एड्रेस आपके होम का क्या एड्रेस है, पिन कोड, सिटी एंड स्टेट आपका जो भी है वो चूज़ करने के बाद सबमिट एंड वेरीफाई पे आप क्लिक कर लेंगे सिंपली, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, मान लिया किसी तरह से आप इसे मिस कर जाए, इस पेज को स्किप कर जाए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा सबमिट के KYC का, ठीक है। तो अब ओवरव्यू देख लेते हैं डैशबोर्ड का कैसा होता है। तो ये है ट्रांजेक्शन डिटेल्स, यहाँ पे आपको सारी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स दिखाएगी। आप रिफंड की डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हो, बैच फंड्स को चेक कर सकते हो, ऑर्डर एंड डिस्प्यूट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। सेटलमेंट से अमाउंट आपका अभी सिंपली नॉर्मल सेटलमेंट दिखा रहा है, और जब आप इसे यूज़ करने लगोगे कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको यहाँ पे फास्ट सेटलमेंट का ऑप्शन, सेम डे सेटलमेंट का ऑप्शन दिखने लगेगा, जिसे हम ऑन डिमांड सेटलमेंट कहते हैं रेजर पे के ऊपर। इसके जस्ट बगल में ऑप्शन दिखेगा, तो जैसे ही आपके पास पेमेंट आता है क्विकली आप उसे अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, विद इन मिनट और सेकेंड आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाता है। इनवॉइसेज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अगर चाहो तो, देखने में कुछ ऐसा लगेगा। GST डिटेल है तो डालो, तो और अगर नहीं है तो मत डालो, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लोगों को सब चेंज कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो, और अपने हिसाब से यहाँ पे अपनी इनवॉइस को आप सेटलमेंट कर सकते हो। पेमेंट लिंक आप अगर आप किसी से मैनुअली पेमेंट लेना चाहते हो तो पेमेंट यहाँ से क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक करके आप अपनी पेमेंट को क्लिक करा सकते हो। स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक चाहिए या UPI पेमेंट लिंक चाहिए तो स्टैंडर्ड वाले पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे नाम किस अमाउंट में चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ INR दिखाएगा, यानी इंडियन रुपीज़, बिकॉज इंटरनेशनल पेमेंट अभी एक्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। दैट्स मीन कि अगर आपके अकाउंट पे अभी तक आपने इंटरनेशनल KYC वेरीफाई नहीं कराया है, जिस दिन आप बिजनेस वेरीफाई करा लेंगे तो आप इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट पेजेस है, पेमेंट पेजेस आप क्रिएट करा सकते हैं। पेमेंट बटन आप अपनी वेबसाइट से या किसी ऐप के ऊपर लगवा सकते हैं, देखने में कुछ ऐसा लगेगा, ऑन हो रहा है। उसके बाद राउट है, सब्सक्रिप्शन है, देखिए पेमेंट हम बटन क्रिएट करते हैं, और डोनेशन बटन चाहिए, पे बटन ना, कस्टम बटन चाहिए, जैसा भी जो भी चाहिए आप अपना इसके हिसाब से डोनेट नाउ समथिंग ऐसा आप अपने ऊपर क्रिएट करा सकते हैं। उसके बाद आपका राउट है, सब्सक्रिप्शन है, स्मार्ट कलेक्शन है, रिवॉर्ड सिस्टम भी इस पर आ चुका है, तो रिवॉर्ड भी आप देख सकते हैं। तो कम्प्लीटली एक अच्छा पैकेज है आपके लिए, और पेपाल से काफ़ी अच्छा है इंडिया वालों के लिए। अगर आप इंडिया में हो तो पेपाल पे 8% देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिजर्व पे के साथ आप आइए, या फिर आप इंस्टा मोजो के साथ आ सकते हो। कई सारे ऐसे पेमेंट गेटवेज हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज पे वर्क करते हैं, लेकिन मैं तीन अभी तक यूज़ करता हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ों को यूज़ किया है, लेकिन मुझे रेजर पे का जो डैशबोर्ड है और फंक्शंस है वो काफ़ी बेटर और अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू एनी वन एल्स इन द मार्केट। सो अगर आप चाहो तो आप इनके साथ जा सकते हो, एंड यू कैन साइन अप टूडे। अगर कोई दिक्कत होती है यू कैन जस्ट ड्रॉप मी ई मेल kuljain.srivastava92@gmail.com। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ईमेल एड्रेस, और अगर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, तो वहाँ से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या वो तुरंत जवाब मिल जाए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और ID का नाम है जयंत वीलॉग्स, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप साइनअप करने के लिए आप अपने से एलिजिबल हो और अपने से साइनअप कर सकते हो।
आई विश आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइक शेयर कमेंट, प्रोत्साहन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, आगे बढ़ने की हिम्मत आती है। और साथ ही अगर आपको कोई इश्यू होता है किसी भी रेजर पे को छोड़कर किसी भी गेटवे को रजिस्ट्रेशन करने में, या फिर किसी अदर वे में आपको किसी टेक्निकल इश्यूज को फेस कर रहे हो सर्वर से रिलेटेड या होस्टिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूं जितना पॉसिबल हो सकता है। पर डे लगभग 100 से 150 मैसेज आते हैं, लेकिन हर किसी को पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सबसे चैट कर पाऊं। लेकिन जिसका जेन्युइन लगता है मुझे देखकर कि चलो इसको रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, तो मैं हर किसी को रिप्लाई जरूर करता हूं। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ फैमिली है वैसे वहां पे भी फैमिली है सोशल मीडिया पे, तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वीडियो की शुरुआत में ही इंस्टाग्राम का मैंने आईडी आपको दिखा दिया था, दैट इज ओनली जयंत वीलॉग्स। आप इंस्टाग्राम पे जयंत वीलॉग्स सर्च करके मुझे ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।